कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर। इसमें हमने स्टार्ट किया था पेडिग्री एनालिसिस, जो हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ह्यूमंस के अंदर ट्रेस करने में मदद करता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने बताया था कि उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जिनको हम मेंडल्स लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो सेग्रीगेट होते हैं, जो आगे प्रोजेनी में मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो तीन लॉज हमने डिस्कस किए थे मेंडल्स के, मेंडल के लॉज जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग आगे पास होते हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। उनको हम पेडिग्री चार्ट्स की मदद से ट्रेस कर सकते हैं फैमिली में, क्योंकि ह्यूमंस के केस में हम लोग देख रहे हैं, तो हमने बताया था कि ये हम कोई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट इसमें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा एथिकल लीगल सोशल इश्यूज इसके आगे आ जाते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस का हमें यूज करना होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हमें हम ब्रॉडली डोमिनेंट और रिसेसिव की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, सेक्स लिंक और ऑटोसोमल लिंक की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को ये दो क्लासिफिकेशन ऑटोसोमल लिंक या सेक्स लिंक एंड डोमिनेंट और रिसेसिव की दोनों क्लासिफिकेशन मिला करके हम एक सुपर क्लासिफिकेशन भी बना सकते हैं। उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो चार कैटेगरीज हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट आ जाता है
जनरेशंस, डू नॉट स्किप जनरेशंस। इसमें हमने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि जनरेशन स्किप नहीं होती है, बट अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब हम ये बात भी कह रहे हैं कि जनरेशन स्किप नहीं होती है और ये बात भी कह रहे हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड है तो इनमें ये प्रोजेनी सपोज करो इसका अनअफेक्टेड है, एंड इफ दिस वन इज गेटिंग मैरिड विद अनअफेक्टेड पर्सन तो इसके आगे प्रोजेनी में कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन लाइक दिस वन यहां पे हम देख रहे हैं कि एक जनरेशन स्किप होने के बाद आगे डिजीज जा रहा है। ये चीज अगर आगे की जनरेशन में डिजीज जाना है तो यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे स्किप हो रही है तो ये डिजीज आगे नहीं जाएगा। तो अगर ये डिजीज है इसका प्रोजेनी तो यहाँ पे इसके प्रोजेनी ये भी डिजीज ही होगा इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, बिकॉज वी नो कि ये केस, और अगर हमें स्पेसिफिकली पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये पूरा पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो यहाँ पे अगर आपको ये ड्रॉ करके आ जाए पूरा बॉक्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कोई इनमें से ऐसा है दैट हैज टू बी शेडेड द डिजीज, ये पेडिग्री मैंने आपको दे दिया एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द पेडिग्री इज ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ठीक है, तो फाइंड आउट विच वन ऑफ द बॉक्स हैज टू बी शेडेड, कोई एक और है जो जिसको शेड करना जरूरी है, तो आपको ऑप्शन आ सकते हैं ए बी सी डी। तो आप कौन सा टिक करके आओगे इसमें से? आपको पता है कि इसका एक प्रोजेनी, इसका ये पेरेंट जो है ये डिजीज था। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि ये द फॉलोइंग पेडिग्री इज ऑफ, ये फ्रेम कर रही हूँ मैं अभी इन क्वेश्चन, ठीक है, ये एसएचपी बुक में नहीं मिलेगा आपको। द फॉलोइंग पेडिग्री इज ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। विच वन मोर स्पेसिमिन हैज टू बी शेडेड, वन स्पेसिमिन हैज बीन लेफ्ट मिस्टेकनली अनशेडेड, विच वन ऑफ दैट इज, या कौन सा एक और जो शेड होने वाला है? ऑप्शन ए में आपको आ जाए ए, बी में आपको आ जाए बी, सी में आपको आ जाए सी, या डी में आपको आ जाए डी, और कई बार उल्टा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे बी आ गया ए आ गया, ऐसे भी आ सकता है। आपको इसमें भी कंफ्यूजन होती है आपको पता है, जो बच्चे मेरे क्लासरूम टेस्ट देते हैं उनको पता है इस चीज का। अब इस केस में हमें कैसे पता चलेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ये ए बी सी डी में से कौन सा एक और डिजीज्ड है? हमें पता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और यहाँ पे ये डिजीज नहीं हो सकता, इसके बच्चों में पास नहीं हुआ, इसके होने के चांसेस कम है, ये नहीं हम कह सकते हो ही नहीं सकता, इसमें चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे ये डिजीज है और इसका पेरेंट भी डिजीज है, इसका चाइल्ड भी डिजीज है, और हमें पता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है एंड इट डज नॉट स्किप जनरेशंस, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बी वाला है जिसको शेड करने वाला है,
यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन का बी आने वाला है। ठीक है, तो बी वाला है जो फिर से शेप होगा। ठीक है बच्चे, तो ये दो पॉइंट्स ध्यान में रख के आप ऑटोसोमल डोमिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट की एक पेडिग्री भी आपको करवाई थी, मैं इन डिटेल्स पेडिग्री सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर लूंगी।
तो सेम सीक्वेंस हेटरोजाइगस वाला, तो इनमें भी स्मॉल ए स्मॉल ए हेटरोजाइगस, ये कंडीशन आ सकती है, और यहां पे भी एक प्रोजेनी आएगा जो कि होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए है, यानी कि डिजीज। तो ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, इट कैन स्किप जनरेशन, इसमें नहीं है डिजीज, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। द डिजीज इज स्किपिंग जनरेशन अनलाइक द फॉर्मर वन। ऑटोसोमल डोमिनेंट में इट कुड नॉट स्किप जनरेशन, बट हेयर इट इज स्किपिंग जनरेशन। ठीक है बच्चा, तो एक्सलिंग डोमिनेंट में आ जाएगा डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम नेवर ट्रांसफर्स है। ठीक है, डिजीज नेवर कभी नहीं करता है, यानी कि नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी फादर से सन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? एक्सलिंक्ड डोमिनेंट है ये, तो फादर से सन में कैसे जा सकता है? फादर में एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर में एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स होते हैं और मदर में एक्स एंड एक्स होता है। सन इज ऑल्सो एक्स वाई and daughters are XX. Son में father से Y जाता है, X नहीं जाता है, X son, son में mother से आता है, that is why. If I use red color for mother's chromosomes, we must understand that the son will receive, the son will receive X from his mother. And father is only going to transfer its Y to the son. ठीक है, तो अगर ये एक्सलिंग डोमिनेंट है, यहाँ पे ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो हमें पता है कि ठीक है डॉटर में एक एक्स मदर की जाएगी लेकिन दूसरा एक्स फादर का भी जाएगा। एंड वी नो दैट दोनों में से अगर केस में डिजीज है, सिंस इट इज डोमिनेंट, सो इट विल डोमिनेंट ओवर नॉर्मल जीन, दैट मीन्स दूसरा पॉइंट आएगा all the daughters I will just drop this, you can take a screenshot or note it down if you want. All the daughters of the affected father, जो फादर अफेक्टेड होगा उसकी ऑल द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, ऑल द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ध्यान देंगे बच्चे, फिर से क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन करूंगी। एक्स लिंक्ड है, ठीक है, यानी कि ये डिजीज एक्स है, फादर बॉक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे नॉर्मल जीन्स हम लोग ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेशक वो फादर में वाई है। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड इट इज डोमिनेंट, यानी कि दोनों एक्स एक्स अगर एक साथ भी आ जाए तो ये डिजीज वाला एक्स जो है ये लीड करेगा और डिजीज एक्सप्रेस करेगा। अब व्हेनेवर दिस कपल गेट्स मैरिड, इनके जितने भी प्रोजेनी होंगे, इसमें जितनी भी डॉटर्स होंगी, ऑल ऑफ देम विल बी अफेक्टेड बाय, देखो एक मदर से एक एक्स तो सब में जाएगा ही जाएगा, और मदर के दोनों एक्स नॉर्मल है,
फादर से सन्स में वाई ही जाता है, सो सन्स आर अनफेक्टेड. तो ये पॉइंट, डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन. हियर द फादर इज डिजीज्ड बिकॉज इट हैज एक्स. फादर इज डिजीज्ड. ठीक है. डॉटर्स के केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, डॉटर्स के केस में एक एक एक्स तो फादर से जाएगा ही जाएगा, फादर से ही जाएगा, वाई का कोई रोल नहीं रहेगा. और मदर से फिर से नॉर्मल एक्स भी जा सकता है एंड डिजीज एक्स भी जा सकता है. तो डिजीज एक्स जाएगा तो भी ये क्या है, डोमिनेंट है. तो 50% चांस of the daughters also to be affected. 50% chance of the total children to be affected, 50% chance of the sons to be affected, 50% chance of daughters to be affected. So, three cases ho sakte hain, 50% chance of daughters to be affected, 50% chance of sons to be affected and 50% chance of the total children to be affected. So, sare केसेस इसमें हो सकते हैं व्हेन द फीमेल इज डोमिनेंट. तो यहाँ पे हम एक अलग क्रॉस भी डिस्कस हो गया हमारा कि द फीमेल इज अफेक्टेड एंड मेल इज नॉर्मल. ठीक है. ये अभी तो मैं अपने मन से आपको कुछ क्रॉसेस साथ साथ में एक्सप्लेन करने के लिए करके दिखा रही हूँ. हम कुछ एक्स्ट्रा क्रॉसेस भी डिस्कस करेंगे ब्रॉडर एस्पेक्ट वाले. ठीक है. तो यहाँ पे डोमिनेंट के केस में ये सब हमें देखने को मिला. डिजीज नेवर ट्रांसफर स्ट्रॉन्ग father to son and all the daughters of the affected father will be affected. And if the mother is affected, wo bhi ho gaya, son, mother is affected, theek hai, to bhi 50% of the chance of the total children to be affected.
दो आर अफेक्टेड, देन दो प्रोबेबिलिटी की डॉटर्स की कम्बिनेशन थी उसमें से 50% इज अफेक्टेड, कुछ जितनी प्रोबेबिलिटी सन्स के बनने की थी उसमें से ऑल्सो 50% इज अफेक्टेड, 50% चांस ऑफ द टोटल चिल्ड्रन टू बी अफेक्टेड, तीन पॉइंट्स आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, 50% चांस ऑफ द चिल्ड्रन टू बी अफेक्टेड, 50% चांस ऑफ डॉटर टू बी अफेक्टेड, 50% चांस ऑफ सन्स टू बी अफेक्टेड इफ द मदर इज अफेक्टेड, अफेक्टेड मदर मैन इज द अफेक्टेड मैन, तीनों पॉइंट्स ठीक है। और आज आपकी नोट ये दोनों के लिए थी, 50% चांस ऑफ डॉटर, 50% चांस ऑफ सन्स टू बी अफेक्टेड, ये दोनों तो आप लिख चुके हैं, इससे ऊपर लिख लो आप 50% चांस ऑफ टोटल चिल्ड्रन एनी चाइल्ड टू बी अफेक्टेड, 50% चांस ऑफ एनी चाइल्ड टू बी अफेक्टेड बिकॉज इट इज डोमिनेंट एनी हाउ, ठीक है। तो अभी हम लास्ट केस हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का डिस्कस करते हैं। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सबसे पहला पॉइंट आता है देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांसेस, प्रोबेबिलिटी समझने में आता है तो चांसेस लेना, देयर आर मोर चांसेस, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल्स टू बी अफेक्टेड, जैसे नॉर्मली इन दिस केस वी सी मोर मेल्स डिजीज, मेल्स एज डिजीज पर्सन एज कंपेयर टू फीमेल्स, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स टू बी अफेक्टेड दैन फीमेल्स। सो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन अर्थ पूरा ही बात करें तो भी males are more than females. इसका रीजन क्या है? देखो अगर यहां पे जैसे एक्स वाई था, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो यहां पे भी एक्स एक्स है, तो यहां पे अगर ये रिसेसिव होता, अगर यहां पे ये डोमिनेंट थे इसलिए इसमें इफेक्ट हो गया, लेकिन अगर ये रिसेसिव होता तो यहां पे डॉटर अफेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके पास नॉर्मल जीन होता है ना, लेकिन मेल के पास अगर एक भी एक्स चला गया तो वो अफेक्टेड होगा ही होगा बिकॉज एक्स के ऊपर बेशक रिसेसिव है, बेशक डोमिनेंट है, एक्स इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर वाई, ठीक है। इस क्रॉस से अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं दोबारा से यहां पर बताऊंगी आपको, जैसा भी इतना सुन लो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए मेल पेशेंट्स आर मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स, एंड ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड and father never gives his x to the son, father always gives his y to the son, so ye point bhi yahan pe aata hai, dono hi sex link ke liye ye point hai, disease never transfers from father to son, disease tend to transfer from होता क्या है मदर से सन में, सन से ग्रैंड डॉटर में, जाने का चांस ज्यादा रहता है, या फादर से डॉटर में एंड डॉटर से ग्रैंड सन में। अब यहां पे आप देखोगे मदर इज फीमेल, मेल सन इज मेल एंड ग्रैंड डॉटर इज अगेन फीमेल, इन केस ऑफ इन दिस केस फादर इज अ मेल, डॉटर इज अ फीमेल एंड अगेन ग्रैंड सन इज अ मेल, सो यहां पे फ्रॉम फीमेल टू मेल टू मेल ऐसे ट्रांसफर, फीमेल टू मेल टू फीमेल, मेल फीमेल मेल ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस, ठीक है, जब जेंडर चेंज करे हस्बैंड रिलेशन में जो अफेक्टेड लोगों का, तो उसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसे जाएगा मेल फ्रॉम फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल, ऐसे ही ट्रांसफर ये डिजीज होता जाएगा। इसमें अगर सिमिलर क्रॉस में हम लोग एक्स लिंक रिसेसिव का केस डिस्कस करते हैं, तो एक्स एक्स यहां पे वी नो एक्स इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर वाई, सो द मेल विल बी डिजीज्ड, ठीक है। अब व्हेन दे विल हैव प्रोजेनी सिमिलर इन दिस केस, जैसे यहां पे प्रोजेनी हो रहे थे मदर से एक एक एक्स सब में जाएगा, सन्स में भी, सन्स में फादर से वाई आ जाएगा, सन्स विल बी नॉर्मल इन बोथ द केसेस, क्योंकि फादर से सन में ये दोनों ही डिजीज ट्रांसफर नहीं होते हैं। इन केस ऑफ डॉटर क्या होगा, एक्स जाएगा ही जाएगा डॉटर में दोनों केसेस में, लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या आता है, दिस डिजीज इज व्हाट, दिस डिजीज इज रिसेसिव, दिस डिजीज इज रिसेसिव, सो इट विल नॉट बी शोन हियर। सो फादर से डॉटर के थ्रू ट्रांसफर होगा ग्रैंडसन को, दैट इज व्हाट वी मेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ, सन्स का पार्ट, सन्स दोनों नॉर्मल है तो उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वन, तो यहाँ पे दिस डॉटर मेक्स विद अ नॉर्मल मैन एंड व्हेन शी जनरेट्स चिल्ड्रन, व्हेनेवर शी विल हैव डॉटर्स, तो डॉटर में तो हमेशा फादर का एक एक्स आएगा ही आएगा, तो इसमें से कोई भी एक्स आए तो ये दोनों क्या है, कैरियर है, यहाँ पे जो डिजीज आगे कैरी कर सकती है, तो ये कैरियर जनरेट कर सकती है या नॉर्मल फीमेल भी जनरेट कर सकती है, जो भी एक्स इसमें डॉटर में ये दिखे। लेकिन सन्स के केस में क्या होगा, सन्स के केस में फादर से तो वाई ही आएगा और एक्स कोई भी आ सकता है, इसका मदर का नॉर्मल भी आ सकता है एंड अफेक्टेड भी आ सकता है। सो इसमें टोटल चांसेस कितने हुए, एक अफेक्टेड मैन के थ्रू द कैरियर डॉटर, अ कैरियर वुमन मैन का नॉर्मल मैन का केस भी यहां पे बन रहा, कैरियर वुमन और नॉर्मल मैन दो केसेस बन रहे हैं, अ डिजीज्ड मैन मैरिंग अ नॉर्मल वुमन, a diseased man marrying a normal woman produces all the children as normal, but the both the daughters are carrier, 100% chance of the daughters to be carrier and 0% chance of any sons to be affected, na affect hoga na carry hoga, daughters dono carry kar sakte hain disease ko, aur wo hi daughter yani ki aage fir alag case bhi ban sakta hai, similar bhi isi case mein continue kar sakte hain, carrier female marrying a normal man has the chance 25% carrier, ये carrier है, ये normal है, ये normal है और ये disease होगा क्योंकि ये male है, ठीक है, तो ये disease होगा क्योंकि males में X is dominant over Y, so हम कह सकते हैं 50% normal children, 50% normal children, 25% carrier and 25% diseased children, then अ कैरियर फीमेल मैरिज अ नॉर्मल मैन, ठीक है, केसेस बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, केसेस, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक ही डिस्कस करेंगे अभी, तो यहाँ पे और क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस ये हो गया कि 50% चिल्ड्रन इसके नॉर्मल हो गए, 25% चिल्ड्रन इसके कैरियर हो गए और 25% इसके डिजीज हो गए, लेकिन अगर रेशियो मेल्स और फीमेल चिल्ड्रन 50% chance of the male to be diseased and 50% to be normal. Females में अगर देखें 50% daughters normal, 50% daughters carrier. ठीक है, अगर father was diseased, 100% daughters carrier and 100% sons normal. ठीक है,
केसेस और भी डिस्कस हो सकते हैं इसमें, जैसे कि ये नॉर्मल कैरियर या डिजीज फादर, डिजीज फादर मैरिंग अ कैरियर फीमेल, फादर में एक भी एक्स आ जाए तो वो डिजीज होगा ही होगा। अगर ये डिजीज्ड मैन विल मैरी अ कैरियर फीमेल तो इसका क्रॉस अप खुद परफॉर्म करके देखें क्या बनेगा, ठीक है, इसका क्रॉस अप खुद परफॉर्म करके देखें कि क्या बनेगा, कितने मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या चांसेस आएंगे, ये क्रॉस अप खुद परफॉर्म करके देखें। डिजीज्ड मैन मैरिंग अ कैरियर फीमेल इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अभी ये वाले पॉइंट्स एक बार आप याद कर लें, मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। डू नॉट स्किप जनरेशंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट डू नॉट स्किप जनरेशंस, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ऑटोसोमल रिसेसिवनेस कैन स्किप जनरेशंस, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, सॉरी अफेक्टेड अनअफेक्टेड पेरेंट्स में अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अफेक्टेड भी हो सकते हैं, जो पेरेंट्स खुद अफेक्टेड नहीं है उनके बच्चे भी यानी कि अफेक्टेड पैदा हो सकते हैं। एक्सलिंक डोमिनेंट में डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन, एक्चुअली टोटल एक्सलिंक या सेक्सलिंक में हम कह सकते हैं कि डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन बिकॉज फादर गिव्स वाई टू द सन एंड नॉट एक्स, एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एक्सलिंक्ड डिजीजेस इन बोथ द केसेस, वी डोमिनेंट और रिसेसिव। देन ऑल द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर्स विल बी अफेक्टेड, हियर ऑल द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर विल बी कैरियर्स, ठीक है, इन दिस केस। देन कैरियर तो लेकिन शो नहीं होगा बेटा ग्राफ में, वो नहीं आपको शेड करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट रिटन दैट पॉइंट देयर, बट ऑल द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आई विल रिपीट, डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन, ऑल द डॉटर्स ऑफ द अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स, नॉर्मली देयर आर मोर मेल पेशेंट्स दैन फीमेल ओवरऑल फॉर दीज डिजीजेस। डिजीज नेवर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन अगेन बिकॉज फादर इज गिविंग वाई टू द सन एंड नॉट एक्स। Disease tend to transfer from mother to son to granddaughter and from father to daughter to son. Okay? And that is known as criss-cross inheritance. Disease, ये रास्ता बता रहे हैं हम। इस केस में हमने देखा फादर से डॉटर, लेकिन डॉटर डिजीज नहीं हुई। डॉटर कैन बी डिजीज इफ मदर इज कैरियर, जैसे कि इस क्रॉस में आप लोग देखोगे, ठीक है, इस क्रॉस में आप लोग देखोगे कि डॉटर्स कैन बी डिजीज, तो इस क्रॉस में इफ द डिजीज्ड मैन विल मैरी अ कैरियर फीमेल सो देन ही कैन स्प्रेड द डिजीज टू द डॉटर, अदरवाइज यहाँ पे डिजीज डॉटर में डिजीज का जीन चला गया है जो आगे उस डॉटर के सन को मिल सकता है, ठीक है। तो रास्ता ये होता है क्लास रूम का, कहने का मतलब, ठीक है, फ्रॉम मदर टू सन टू ग्रैंड डॉटर, फ्रॉम फादर टू डॉटर टू ग्रैंड सन। तो ये पैटर्न जो हमें पेडिग्री में देखने को मिलता है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं, ये हमें सेक्स लिंक में देखने को मिलता है। ऑटोसोमल में सेक्स लिंक वाला ये पोर्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, क्रिस क्रॉस जहाँ पे दिखता है वहां पे पहला आंसर हमारा आ जाता है कि इट इज एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो भी हम लोग थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं इन दो ऑप्शन में, ऑटोसोमल तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देते हैं जब हम ज्यादातर क्रिस क्रॉस हमें बिल्कुल ऐसे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा हो किसी भी पेडिग्री चार्ट में। एक बार ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं इनको नोट करके रख लो, इन्हीं पॉइंट की मदद से आप कोई भी पेडिग्री 2 सेकंड में क्रॉस आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत आसान होने वाला है। जिन क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं मेरे स्टूडेंट्स उनको बहुत ही आसान से क्रैक कर देंगे, ठीक है। तो एक पेडिग्री तो पक्का ही पक्का एग्जाम में आता ही आता है, ये पॉइंट्स आपको याद हो गए तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। मैंने विद इलाबोरेशन आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जैसे मैंने नोट किया है वैसे ही आप एक बार नोट कर लें, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कुछ और चार्ट सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, इनको अच्छे से याद करें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर लिसनिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, देन ओनली यू विल गेन अप थिंग्स वेरी वेरी नाइसली। सो ऑल द बेस्ट टू माय फ्यूचर डॉक्टर्स।